ओके, सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हम लोग पढ़े थे स्टमक की जो सर्जरी, ठीक है, और स्टमक की जो सर्जरी के लेक्चर्स हैं इसमें से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं आपको बताऊं तो जो पेप्टिक अल्सर है, उसकी जो परफोरेशन है, परफोरेशन का जो ट्रीटमेंट है, ये क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी आता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। मुझे याद है हमारा ऑस्की का एक स्टेशन था पूरा, उसके ऊपर बाकायदा जो है वो इसके बारे में क्वेश्चनिंग जो है वो हुई थी। और इसी तरह इसी क्यों पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि परफोरेटेड अल्सर का जो पेशेंट है वो प्रेजेंट कर रहा है पेरिटोनाइटिस के साइन सिम्टम्स के साथ, आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अच्छे से करिएगा। नाउ द लास्ट थिंग जो है वो हमारे पास है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। अब जो गैस्ट्रिक कैंसर्स हैं ये वन ऑफ द मेजर कॉज जो है वो डेथ का, वन ऑफ द मेजर कॉज डेथ का नाउ अ डेज जो है वो गैस्ट्रिक कैंसर भी है। कुछ कंट्रीज़ में इसकी जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि जापान के अंदर अगर हम देखेंगे तो तकरीबन हर लाख में से तकरीबन 70 लोग जो हैं वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का शिकार हो रहे हैं। ओवरऑल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की जो प्रोग्नोसिस है वो बुरी है। क्यों बुरी है? क्योंकि पेशेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेटली प्रेजेंट करता है, इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि पेशेंट उस स्टेज पे हमारे पास आता है जहाँ पे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता और हमें उसका पैलेटिव मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अब थोड़ी सी बात हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की करेंगे। इसकी डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन अवेलेबल हैं जिसको आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, रॉबिन्स में, पैथोलॉजी में, मेरी भी वीडियोज़ हैं वो भी अगर आप देखें तो उनमें भी हमने पढ़ा हुआ। यहाँ बहुत ब्रॉडली हम देखेंगे कि ये दो तरह का हो सकता है, यानी हम कहते हैं कि अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, अर्ली स्टेज पे है, या फिर हम कहते हैं एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है। अब जो अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है इसका ये मतलब होता है कि जो अभी लीजन है ना बेटे, वो लीजन अभी कन्फाइंड है टू म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, अभी उसने म्यूकोजा या जो सब म्यूकोजा है उसको क्रॉस नहीं किया है, वो इनके इन तक कन्फाइंड। नाउ यहाँ पे जो हमारा लिम्फ नोड का स्टेटस है वो मैटर नहीं करता, मे बी लिम्फ एडिनोपैथी हो या ना हो, लेकिन T1 स्टेजिंग अभी तक है। T1 का ये मतलब है T1 हो सकता है या N1 भी हो सकता है, लिम्फ नोड में भी इन्वॉल्व हो में भी ना हो, लेकिन आपने याद रखना है कि जो ट्यूमर है वो म्यूकोजल लेयर में कन्फाइंड है टू म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, पेरिगैस्ट्रिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या नहीं वो डिपेंड करता है। अब फर्दर क्या हुआ कि जैपनीज में इसको फर्दर जो है फर्दर क्लासिफाई किया गया और इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की 3 टाइप्स में डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रेजेंटेशन। या तो ये प्रोट्रूडिंग इन नेचर हो सकता है, यानी ऐसे प्रोट्रूड कर रहा होगा, या नंबर 2 उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे सुपरफिशियल सा कार्सिनोमा होगा, या नंबर 3 ये क्या भी हो सकता है, एक्सकवेटेड भी हो सकता है। जो सुपरफिशियल कार्सिनोमा है आपने याद रखना है कि ये क्यूरेबल है, और एक्सकवेटेड का भी जो 5-year सर्वाइवल रेट है अगर अर्ली स्टेजेस पे ये आ जाता है हमारे पास तो अप टू 90% है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो दूसरी तरफ है वो है हमारे पास एडवांस कार्सिनोमा। एडवांस ही होता है कि वो एक्सटेंड कर जाता है थ्रू सब म्यूकोजा और जो फर्दर लेयर है सिरोजा एंड एडवेंटिशिया उसको इन्वॉल्व कर लेता है, और इवन मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड उसके पीछे तक एक्सटेंड कर जाता है। जैसे इसको जैपनीज ने फर्दर क्लासीफाई किया, इसकी जो है वो बॉर्मन ने फर्दर क्लासीफिकेशन की, और 4 इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं इसकी, 1, 2, 3 एंड 4। जो 1 वाली है उसमें वो कहते हैं कि मोस्टली ये ना एक पॉलीपॉइडल सा मास होता है, यानी फॉर एग्जांपल ये सरफेस है और एक पॉलीपॉइडल सा मास होता है और वो वेल डिमार्केटेड मार्जिन्स के साथ होता है, ठीक है। सो पॉलीपॉइडल मास है और वेल डिमार्केटेड मार्जिन्स हैं। अगर हम लोग स्टेज 2 के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे अल्सरेटेड सा एरिया होता है लेकिन वेल डिमार्केटेड मार्जिन्स होते हैं, यानी अल्सरेशन हुई भी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें तो मास है ना बेटे, ये फॉर एग्जाम्पल एक मास है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो अल्सरेशन है लेकिन अल्सरेशन के साथ मार्केटेड मार्जिन है। नंबर 3 भी अल्सरेशन होते हैं लेकिन पुअरली डिफाइंड मार्जिन, सो यहां पे भी अल्सरेशन होती है लेकिन मार्जिन अब इतने ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं रहते हैं। और नंबर 4 अगर हम देखेंगे तो उसमें जो है वो क्या हुई हुई होती है, बहुत ही ज्यादा डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई होती है, अल्सरेशन नहीं होती लेकिन पूरी लेयर के अंदर डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई होती है, तो यहां क्या होगा, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन। तो यहां तक मैंने आपको यह बताया कि जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमास हैं वो मेजर कॉज बन रहे हैं डेथ का, ठीक है, और इनकी ओवरऑल प्रोग्नोसिस इसलिए बुरी है क्योंकि ये लेटली प्रेजेंट करते हैं। हमने कहा कि इनको मेजरली 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, अर्ली और एडवांस हो सकते हैं। अर्ली वो हैं जो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक हैं, और अर्ली फर्दर आगे 3 तरह के हो सकते हैं, प्रोट्रूडिंग, सुपरफिशियल और एक्सकवेटेड। इनकी ओवरऑल प्रोग्नोसिस अच्छी है लेकिन जो एडवांस हैं वो एक्सटेंड हुए हुए होते हैं मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड पीछे से रोजा एंड एडवेंटिशिया को क्रॉस भी कर जाते हैं, और इनको फर्दर फिर हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, या तो वो मैसा है, या अल्सरेशन विद क्लियर मार्जिन है, या अल्सरेशन विद इल डिफाइंड
इंटेस्टाइन मार्जिन है या फिर वो क्या है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव है, वहाँ पे अल्सरेशन मौजूद ही नहीं है। एक इनकी ये क्लासिफिकेशन है, फिर ये इनके अंदर सब क्लासिफिकेशन है। दूसरी क्लासिफिकेशन हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए करते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए हम कहते हैं कि नंबर वन ये एडीनोकार्सिनोमास हो सकते हैं जो मोस्ट कॉमन है। नंबर टू क्या हो सकता है, जी आई टी के अंदर जो है ये लिम्फोमास भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और नंबर थ्री हमारे पास जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर जिस्ट भी होता है। आगे चल के देखते हैं कि जिस्ट क्या है, ठीक है। सो ये हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है गैस्ट्रिक कैंसर की। उसके बाद आपने रॉबिन्स के अंदर पढ़ा होगा कि एक तीसरी क्लासिफिकेशन भी थी, एक लॉरेंस साइंटिस्ट था और उसने भी क्या किया हुआ था, क्लासिफाई किया हुआ था इसको ट्यूमर को, गैस्ट्रिक ट्यूमर को। उसने कहा दो तरह का हो सकता है, यानी ये इंटेस्टाइनल टाइप हो सकती है और डिफ्यूज टाइप हो सकती है। इंटेस्टाइनल ट्यूब्यूल जो है वो एक इंटेस्टाइनल टाइप में एक वेल डिफाइंड सा मास बना हुआ होता है, जबकि डिफ्यूज के अंदर जाहिर है डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई होती है। सो इसमें वेल डिफाइंड पॉलीपॉइडल मास या अल्सर होता है, जबकि इसमें डीपली इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई होती है मास के बगैर। तो ये क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है अर्ली एडवांस फर्दर सब क्लासेस हिस्टोपैथोलॉजिकल एंड लॉरेन की बेस के ऊपर जो इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज टाइप की थी। नाउ इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्लिनिकली आपके पास ये जो पेशेंट है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का, ये क्लिनिकली किस तरह से प्रेजेंट करेगा। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी हम देखते हैं, लेकिन साथ ही पहले उसने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। सो पॉजिटिव फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं कि क्या पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं। सो नंबर वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है वो आपकी डाइटरी नाइट्राइट्स हैं, और ये जो डाइटरी नाइट्राइट्स हैं ये हमें हासिल होती है नाइट्रेट से। और ये जो डाइटरी नाइट्राइट्स हैं इनकी फर्दर आगे नाइट्रोजेशन होती है, और नाइट्रोजेशन की वजह से ये नाइट्रोसमीन या नाइट्रोसमाइड्स बनती हैं, ठीक है। सो ये क्या बनती हैं, नाइट्रोसमीन्स या नाइट्रोसमाइड्स बन जाती हैं। और जब ये नाइट्रोसमाइड्स बनती हैं तो ये जो हैं आगे फर्दर कार्सिनोजेंस होते हैं, और ये जब कार्सिनोजेंस होते हैं तो ये कार्सिनोमा के लिए आपको प्रॉन करते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ें गैस्ट्रिक कैंसर के लिए आपको प्रॉन करती हैं, ज़ाहिर है जो स्मोकिंग है या फिर जो स्मोक्ड फूड है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉन कर देता है फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। इसी तरह अगर हम देखें कोई पेशेंट बहुत एक्सेसिव, मुझे भी आदत थी बहुत एक्सेसिव सॉल्ट अगर कोई खाता ना तो नहीं खाना चाहिए, और वो भी कच्चा नमक जो है वो नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डिक्रीज यूज्ड है ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करते और नमक ज़्यादा यूज़ करते हैं और स्मोक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनके लिए गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। वो पेशेंट के जिसको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस रहा हो, हमने कहा था कि जी गैस्ट्राइटिस हो जो गर्ड होता है उससे गैस्ट्राइटिस होता है, गैस्ट्राइटिस से फिर आगे बैरेट इसोफेगस होता है, और बैरेट इसोफेगस से आगे हमने कहा कि इसोफीजियल कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक है। ये हमने किसकी बात की थी, सॉरी हमने कहा कि अगर गर्ड रहता ना बहुत ज़्यादा पेशेंट को तो इसोफेजाइटिस और इसोफेजाइटिस से इसोफीजियल कार्सिनोमा, बैरेट इसोफेगस एंड देन इसोफीजियल कार्सिनोमा। इसी तरह अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एंड डिस्प्लेजिया एंड देन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। से एज पेशेंट को अगर परनीशियस एनीमिया है, परनीशियस एनीमिया का भी यही मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टमक की ट्रॉफी चल रही है और उसके बाद भी कार्सिनोमा राइज हो सकता है। प्रीवियसली कोई उसकी गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हुई है, वो सर्जरी भी उसको क्या करती है, प्रॉन करती है फॉर कैंसर। लाइक क्या हुआ है, गैस्ट्रोएंट्रोस्टमी हुई हुई है, ठीक है, तो ये भी मैलिग्नेंसी का चांस जो है चार टाइम तक बढ़ा देती है। या फिर जो ई कैदरन हैं जो कि जी आई टी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं रेगुलेशन में, इनकी म्यूटेशन से बहुत तरह के कैंसर, कोलोन का कैंसर भी होता है, कोलोनोरेक्टल कैंसर, और ये जी आई टी के कैंसर के लिए भी आपको प्रॉन कर देते हैं, ठीक है। सो ये इसके पॉजिटिव फैक्टर यानी डाइट्री फैक्टर है, स्मोक फूड है, एक्सेसिव सॉल्ट है, डिक्रीज इनटेक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, पर्निशियस एनीमिया है, कोई भी प्रीवियस गैस्ट्रिक सर्जरी है जैसे कि गैस्ट्रोएंट्रोस्टमी हुई हुई है, या ई कैदरन्स के अंदर क्या मौजूद है, म्यूटेशन मौजूद है, तो वो आपको प्रॉन करती है। नाउ बात करते हैं कि अगर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है और उसने स्प्रेड करना है तो उसका जो स्प्रेड है मोस्टली किस तरह से होता है, तो आपने याद रखना है कि इसका स्प्रेड जो है वो डायरेक्ट इन्वेजन भी हो सकती है नंबर वन, नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट लम्फेटिक स्प्रेड होता है इसका, नंबर थ्री हमने याद रखना है हेमाटोजीनस यानी ब्लड के थ्रू इसका स्प्रेड हो रहा होता है, और नंबर फोर हमने देखना है कि ये ट्रांसपेरिटोनियली भी स्लीडिंग के थ्रू स्प्रेड करता है। सो जो इसका सबसे पहला स्प्रेड है डायरेक्ट इन्वेजन, डायरेक्ट इन्वेजन में इसने क्या करना है कि इसके साथ जो है वो पेनक्रियाज पड़ा हुआ है, सो पेनक्रियाज के अंदर इन्वेड होना है, लिवर के अंदर इन्वेड होना है और कोलोन के अंदर इन्वेड होना है, स्टमक के नीचे जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो ड्यूडेनम के साथ पेनक्रियाज हैं, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन होता है और लिवर होता है, तो ये इधर और इधर उधर इस तरह से डायरेक्टली स्प्रेड करता है। लिम्फेटिक स्प्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन स्टमक के इर्द गिर्द कोई 420 लिम्फ नोड्स जो है वो टिल नाउ आइडेंटिफाई कर चुके हैं,
और अगर मोर देन 4 लिम्फ नोड पॉजिटिव हैं तो ये एक पूर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। और जो लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है ना वो फर्दर जो है बहुत सर्जिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम कुछ ऐसे लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जिनको सर्जिकली रिमूव करना पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वो रीच करते हैं, ये सारे जो स्टमक के लिम्फ नोड्स हैं वो कहता है ये रीच करते हैं सीलिएक नोड्स को, और सीलिएक नोड्स में से होते हुए ये इंटेस्टाइनल ट्रंक में से गुजरते हैं और फिर सिस्टर्ना काइली तक जाते हैं, सिस्टर्ना काइली, और समटाइम्स सिस्टर्ना काइली से ये सुप्रा क्लेविक्यूलर लिम्फ नोड तक जाते हैं, वहाँ पे एक मास बनाते हैं और उसको फिर हम विर्चोज नोड भी कहते हैं। सो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये जो लिम्फ नोड्स हैं ना इनकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सर्जिकल इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड करते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि रिजेक्शन पॉसिबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसने एक ये बात की हुई है कि अगर जो है इन्वॉल्वमेंट होगी ऐसे नोड्स की जो कि स्प्लीनिक वेसल के अराउंड है ना तो हम स्प्लीनेक्टमी कर सकते हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल है कि जो स्प्लीन के इर्द गिर्द लिम्फ नोड हैं उनके अंदर अगर मसला या इन्वॉल्वमेंट है तो हम स्प्लीनेक्टमी कर देंगे। क्लियर। फिर उसने कहा कि अगर ऐसे लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हैं जो कि बड़े हुए हैं अराउंड द गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल तो फिर हम क्या करते हैं ग्रेटर रोमेंटम की रिजेक्शन कर देते हैं। लेकिन इफ वो लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं जो कि पेनक्रियास के इर्द गिर्द पड़े हुए हैं या जो एओटा को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर हमारे पास थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो वाली ग्रोथ जो है वो अनरिजेक्टेबल है और तब उसको एओटा वगैरह को छेड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए लिम्फ नोड की सर्जिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आगे मैं आपको लिम्फेडीनाइट वो पढ़ाऊंगी आगे इसकी एक स्टेजिंग सी, लेकिन स्टिल के हम कौन से लिम्फ नोड इजिली रिमूव कर सकते हैं D1, D2 या D3, D2 इजिली रिमूव होते हैं। सो ओवरऑल हम कह रहे हैं कि अगर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है तकरीबन 420 लिम्फ नोड्स हैं उसमें से मोर देन 4 भी पॉजिटिव हैं तो प्रोग्नोसिस बुरी हो जाती है। कुछ लिम्फ नोड रिजेक्ट किए जा सकते हैं कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो लिम्फ नोड जो स्प्लीन वेसल्स के इर्द गिर्द हैं वो इन्वॉल्व हैं तो स्प्लीनेक्टमी कर देंगे। वो जो गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स के इर्द गिर्द लिम्फ नोड्स हैं वो उनमें मेटास्टेसिस हुई हुई है तो हम साथ में ग्रेटर मोमेंटम रिमूव कर देंगे। लेकिन जाहिर है कि अगर एओटा को इन्वॉल्व कर लिया है लिम्फ नोड्स ने या पेनक्रियास को तो फिर पेनक्रियास एंड साथ में एओटा की सर्जरी करना मुश्किल है, उसको रिजेक्ट हम नहीं कर सकेंगे। सर्जिकली इसकी ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट इनका स्प्रेड होता है वो है ब्लड के थ्रू। सो ये ब्लड के थ्रू कहाँ स्प्रेड करती हैं? ब्लड के थ्रू ये स्प्रेड करता है लिवर्स में और लंग्स में और बोन्स में। सो LLB लिवर लंग एंड बोन। और ट्रांसपेरिटोनियली अगर हम देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरिटोनियली वो कहता है कि इस ट्यूमर का स्प्रेड आपको मिलता है अराउंड द पेरी अम्बिलिकल लिम्फ नोड। ठीक है, सो पेरी अम्बिलिकल लिम्फ नोड में अगर ये स्प्रेड होगा तो उसको हम कहते हैं सिस्टर मैरी जोसेफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, उसके बाद कहता है कि नंबर 2 इसका जो है वो ओवरी के अंदर स्प्रेड होता है। अगर ओवरी में जाएगा तो उसको हम क्रूकनबर्ग ट्यूमर बोलेंगे। जब GIT का ट्यूमर ओवरी में जाता है तो उसको हम क्रूकनबर्ग ट्यूमर कहते हैं। और अगर ये पाउच ऑफ डोगलास में यानी पाउच ऑफ डोगलास में जाएगा तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? फिर हम इसको ब्लमर शेल्फ बोलेंगे। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो आपने याद रखनी हैं। और नंबर 4 आपको पता है सुप्रा क्लेविक्यूलर लिम्फ नोड में जाएगा तो उसमें हमने कहा कि हम इसको विर्चोज नोड कहेंगे। तो ये 4 बातें भी आपने याद रखनी हैं। सो इसका मतलब है इसका स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था। सो स्प्रेड आप एक दफ़ा दोबारा देख लें कि डायरेक्टली ये जाता है पेनक्रियास में, लिवर में, कोलोन में, थ्रू लिम्फ नोड इसका स्प्रेड हो सकता है तमाम लिम्फ नोड में अराउंड स्प्लीनिक वेसल, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल, अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रियास एंड आयोटा वगैरह को इन्वॉल्व कर सकता है। एंड फर्दर हमने कहा कि ब्लड के थ्रू ये जाता है लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, और ट्रांसपेरिटोनियली अगर तो ये जा रहा है हमारे पास जो पेरी अम्बिलिकल लिम्फ नोड है तो उसको सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्स कहते हैं। ओवरी में जा रहा है तो क्रूकनबर्ग ट्यूमर कहते हैं, पाउच ऑफ डोगलास में है तो ब्लमर शेल्फ कहते हैं, और अगर ये जा रहा है कहां पे सुप्रा क्लेविक्यूलर लिम्फ नोड में तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? विर्चोज नोड कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की कि पेशेंट किस तरह से आएगा। सो यहां तक जो है वो ओवरव्यू है इसका और क्लासिफिकेशन है और स्प्रेड है।